सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक वी ऑल नो दैट रिप्लेसमेंट्स इज अ रोलर कोस्टर राइट. मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वी आर ऑन द सेवेंथ नाइन्थ क्लाउड एंड लाइक कभी हम लग रहा है भाई कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा. सो आपके भी इस जर्नी में कुछ ऐसा पॉइंट्स आया थे क्या कि मतलब यू फाउंड आउट किया ये बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन फिर हुआ नहीं, या ऐसा कुछ कुछ एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स यू वॉन्ट टू शेयर विद हाँ अस? या मतलब ऐसे जैसे कि आपने बोला, तुमने बोला कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं दैट यू हैड नॉट एंटिसिपेटेड, कि बिल्कुल तुम्हें लगा नहीं था कि ये होगा. जो वैसे कुछ हुआ था फॉर मी बिकॉज आई वाज लाइक मेनी पीपल, हम थोड़ा सा ध्यान रखते सोचते कि हाँ दीज आर द कंपनीज आई एम टारगेटिंग एंड दीज आर द कंपनी आई नीड टू मेक माई शॉर्ट लिस्ट, मतलब उसमें मुझे शॉर्ट लिस्ट निकालना ही है. हाँ तो देयर वर अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज जिनमें मुझे था कि इनमें शॉर्टलिस्ट आना ही चाहिए एंड आई हैव टू मतलब मैनेज की टू गेट अ शॉर्टलिस्ट है. तो बट इन कंपनीज में लाइक टॉप कंपनीज जैसे जो सबसे SWE रोल के लिए होती है, यू ट्राई फॉर गूगल, यू ट्राई फॉर ऊबर, यू ट्राई फॉर GS, यू ट्राई फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड यू ट्राई फॉर मेनी अदर जो अच्छी कंपनीज है सॉफ्टवेयर के लिए. तो बट मेरा ऐसा हुआ था कि गूगल का मुझे 4 महीने पहले उन्होंने रिक्रूटर ने अप्रोच किया था. देवर अप्रोचिंग मेनी पीपल दैट टाइम आई थिंक. तो उन्होंने जब अप्रोच किया था तो आई वॉज इन अ माइंड सेट कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा लग रहा था आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से भी, कि गूगल का जो ऑन कैंपस होगा दैट विल बी रियली टफ. They mostly take the top four or like that candidates. So if even if you have managed to be the top 10 or 8, you do not have a surety that you'll get into Google or something like that. But तो जब उनका जब आया तो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऑन कैंपस तब क्या होगा. ऑल्सो आई वॉज नॉट वेरी अवेयर अबाउट अ टर्म कॉल्ड कूल डाउन पीरियड, जिसके लिए जिसमें लाइक यू आर नॉट अलाउड टू रीअप्लाई. मतलब अगर आप पिछले लास्ट 6 मंथ्स में अप्लाई किया हुआ हो तो आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस बारे में, थोड़ा बहुत पता था. आई वाज एक्सपेक्टिंग इट विल बी 3 मंथ्स और सो, आई डोंट नो. सो आई सेट फॉर दैट इंटरव्यू प्लेसमेंट के 4 महीने पहले. सो मैं बहुत प्रिपेयर नहीं थी, मतलब ठीक है आई ट्राई टू प्रिपेयर समहाउ थोड़ा बहुत गूगल का जो भी इंटरव्यू के हिसाब से, बट वो बहुत मक्खा मेरा इंटरव्यू, बहुत खराब इंटरव्यू गया. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो मैंने मैंने मखाया, इंटरव्यू ने मखाया, बट वो क्वेश्चन बहुत वियर्ड आया था एंड आई रियली कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन इवन नाउ. मैंने ऐसा बार बार बहुत लोगों को बोला कि इवन मुझे हो सकता है वो अब अगर प्लेसमेंट वाले दिन भी कोई मुझसे पूछता हो इवन, तो मुझे शायद वो आंसर नहीं समझ आता बिकॉज इट वॉज ए वियर्ड क्वेश्चन. डोंट नो कहाँ से उन्होंने ऐसा पूछा. तो ऐसा रहा कि वहां पूरा मेरा कट गया गूगल का. बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब कैंपस पे जब आएगी तो आई विल गेट अ चांस टू ट्राई. बट सो मैंने थोड़ा सा किक स्टार्ट वगैरह भी मेंटेन किया रैम का. उसके बाद फिर वो जो टेस्ट था रिसेंट गया, अच्छा मैंने गुड स्कोर, तो मुझे लगा कि आ जाएगा. तो उन्होंने एक शॉर्टलिस्ट जैसा पहले निकाला तो उसमें मेरा नाम था, तो उन्होंने जो फाइनल शॉर्टलिस्ट निकाली उसमें मेरा नाम हटा दिया उन्होंने. एंड उन्होंने और भी कुछ लोगों का हटाया शायद जिन्होंने पहले से जिनका सब कुछ इंटरेक्शन हो चुका था. सो यार तो लास्ट 2 दिन तक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गूगल में भी शॉर्टलिस्ट आ जाएगा एंड और भी बाकी. तो मैं प्रायोरिटी बना रही थी अपने अपने हिसाब से कि हाँ ये रखूंगी, ये रखूंगी, ये रखूंगी. बट कुछ एक दो लाइक बहुत लेट ही आया था गूगल का, तो मुझे बस लगा कि आई एम नॉट इन द लिस्ट सो आई कैन नॉट सिट फॉर दैट. तो इस तरीके से हुआ कि आर यू एक्सपेक्ट कि कुछ कंपनीज में तुम तो रहो रहना चाहिए तुम्हारा शॉर्टलिस्ट, बट वो नहीं होता है. और मेरे साथ नहीं हुआ, सिर्फ बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है. तो या दैट कैन हैपन. सो यू कैन शुड नॉट टारगेट वन कंपनी एज सच, यू शुड टारगेट अ बंच ऑफ कंपनीज आई वुड से. एज आई एम लैंडेड अप गूगल आई एम हैप्पी ओके बिकॉज आई या नाउ आई वाज हैप्पी विद द गूगल उबर, एटलीस्ट कहीं अच्छे जगह लैंड हो गए या इधर ऑफ देम. सो या बट इफ यू टारगेट कि हाँ मुझे यही जाना है ऐसे, बट कैन बी वियर बिकॉज प्लेसमेंट कुछ भी होता है उसमें, लाइक जस्ट टारगेटिंग वन सिंगल कंपनी कैन बी रियली हार्मफुल फॉर यू. या सो दैट इज द स्टोरी फॉर माई. और ऑल्सो की दिस टाइम एंड ऑन कैंपस जैसे मैंने बोला कि मुझे लगा था ऑफ कैंपस इजी होगा, बट थोड़ा ऑपोजिट हुआ. ऑफ कैंपस टफ हो गया वियरली एंड ऑन कैंपस वाज रिलेटिवली इजी. एज आई सेड कि पहले लोग 4 लोग ले जाते थे, दिस टाइम दे टुक 10 पीपल फॉर ओनली फॉर SWE रोल, 2 फॉर हार्डवेयर आल्सो. सो
So 10 people, and that is not how Google used to do. That is not like Google इतने सालों से ऐसा नहीं करते आ रहा था. लाइक दे हमेशा 4 से ज्यादा, तो कभी मैंने देखा नहीं उनको ले जाते हुए. ओके बट ओके दिस टाइम थोड़ा उन्होंने लिबरल रखा अपना, बिकॉज दे वर इन एन एक्सपेंशन फेज एंड ऑल. बट और जबकि ऑफ कैंपस मैंने देखा था कुछ अच्छे लोगों का उन्होंने फॉर वेरी स्मॉल माइनर रीजंस उन्होंने हटा दिया. लाइक दे वर रियली डिजर्विंग. तो ऑफ कैंपस वाज टफर देन इन ऑन कैंपस आई फेल्ट फॉर दिस टाइम. ओके दैट इज ऑल. टू नो मोर अबाउट दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन.